और टीकमगढ़ सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने दीपावली पर नौगांव में व्यापारियों को दीपावली की बधाई दी और नौगांव बाजार में घूमकर सभी व्यापारियों से मिले। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने कहा है कि हम व्यापारियों के साथ हैं। धनतेरस के दिन जो प्रशासन ने व्यापारियों पर कार्रवाई की है उसकी हम निंदा करते हैं। आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे। पावन पर्व के अवसर पर हम सभी क्षेत्रवासियों को देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिकल्पना के अनुसार हम इस दीपावली पर लोकल फॉर वोकल हमारे स्थानीय जो उत्पादक हैं, चाहे वो मिट्टी के दीपक बनाने वाले हों, सजावट का सामान बनाने वाले हों, ऐसे हम लोकल फॉर वोकल को उसको प्रोत्साहित करते हुए जहाँ अपनी परिवार की आवश्यकता की चीज़ों को उनसे खरीदें, वहीं उनके परिवारों में भी दीपावली की खुशियां कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दें। आइए हम सब मिलकर दीपावली के इस पावन पर्व के अवसर पर चलिए हम दीप वहां जलाएं जहां घनघोर अंधेरा है, और ऐसी बस्तियों में जाकर के समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर लोग के लोगों के बीच में जाकर के दीपावली की अपनी खुशियाँ मनाएँ। मैं सुबह एक आदिवासी गांव में गया था, वहां जाकर उनके बीच में उनको मिष्ठान का वितरण, उनको दीपक, उनको तेल बाती सारी चीज़ों का वितरण करके आया। लेकिन घर जाकर उनको दीपावली की शुभकामनाएं लेकर आया। उन लोगों ने बहुत प्रसन्नता और हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दीपावली का त्यौहार यही हमको सिखाता है। भाई साहब, धनतेरस वाले दिन नौगांव में एक अजीब हादसा हुआ कि जो व्यापारी है नौगांव के, उन्हें भाई साहब प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया, क्या कहना है भाई साहब? हम इस संबंध में बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वर्ष भर का त्यौहार है और दो तीन दिन जो है ना, इस समय से व्यापारियों के साथ में सहयोग का भाव जो है ना वो अधिकारियों का, व्यापारियों की जबरदस्ती चालान किए गए। मैं इस संबंध में प्रशासन से बात करूँगा।